अरे दोस्तों आ गया है और एक व्हाइट बैग एप्पल की तरफ से। जी हमेशा व्हाइट बैग में ही सब कुछ मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं इस 15 इंच मैकबुक एयर के बारे में बात करूं तो पहली बार में ऐसा हुआ है कि कंज्यूमर्स ने पूछा है एंड एप्पल हैज ऑब्लाइज्ड। ये बेसिकली दोस्तों बहुत पहले लॉन्च होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये लिटरली आपके 1,00,000 रुपए बचाएगा। मैं बताने वाला हूं कैसे। दोस्तों याद रखिए मैकबुक एयर्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इंडिया में भी अब्रॉड भी एंड रेगुलर यूज के लिए बहुत लोग मैकबुक एयर को प्रिफर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ 13 इंच वेरियंट ही था, उसमें बड़ी स्क्रीन का वेरियंट नहीं था एंड दैट इज वॉट गैप दिस फील्स। अगर हम प्रीवियस के साथ कंपेयर करूं अपार्ट फ्रॉम डिस्प्ले ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। इस वीडियो में ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग करेंगे, आपके सामने मैंने टेप निकाली हुई है, फर्स्ट इंप्रेशंस देंगे। बट फर्स्ट इंप्रेशंस में दोस्तों 3-4 ही चीजें हैं जो डिफरेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दैट्स द बॉक्स। एप्पल के डिवाइसेस अनबॉक्स करने में जो मजा आता है, ओह माय गॉड, ओहो नो, यू नो यू डोंट फील दिस इज अ मैकबुक एयर, क्योंकि हमेशा यू नो एक पिक्चर है दिमाग में कि मैकबुक एयर छोटा होता है, बट दिस वन ओके द फील इज वेरी वेरी डिफरेंट। बताने वाला हूँ इसके बारे में। ओह आई लाइक द कलर। ऑलराइट, साथ में केबल आती है, मैगसेफ चार्जिंग, यूएसबी टाइप सी टू मैगसेफ। ऑलराइट, चार्जर के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज डुअल पोर्ट, डुअल टू यूएसबी टाइप सी 35 वॉट चार्जर। Oh yes, that's how it is. So, अगर आप internationally travel करोगे तो you have to just change this and use it. So that is there and some documentation. Stickers भी है दोस्तों, yes, same midnight color, वैसे 4 अलग अलग colors आते हैं. That's about it. I am now excited to see. और एक चीज, I am excited to see that midnight color, क्योंकि अभी तक दोस्तों ये जो silver, starlight वगैरह colors होते हैं वो हमारे पास आए हुए हैं, but this one is very, very different. देखिए कुछ नहीं, दिस इज अ फैनलेस डिजाइन, तो आपको इनफ्लो आउटफ्लो के लिए कोई वेंट्स वगैरह कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। इट लुक्स लाइक अ स्लैब ऑफ मेटल, दैट्स अबाउट इट, बट वेरी वेरी प्रीमियम मेटल। वैसे ये कलर दिखने को बहुत अच्छा है दोस्तों, बट आई टेल यू व्हाट, दिस इज अ डस्ट प्रिंट एवरीथिंग मैग्नेट। जी हाँ, हमने 5 मिनट स्पेंड किया अभी सिर्फ इसे क्लीन करने में। ओह माय गॉड, दैट्स नॉट गुड। तो देन यू स्टिक टू सिल्वर व्हिच विल नॉट शो प्रिंट्स अगेन। दोस्तों ऐसे यू नो हम इतने यूज्ड टू है मैकबुक एयर से, वो छोटा फॉर्म फैक्टर थोड़ा अलग, इट लुक्स मोर लाइक प्रो, लेकिन यू नो इट इज नॉट, इट इज एयर। ओ एक चीज रह गई, वी हैव प्रीवियस जनरेशन मैकबुक एयर एज वेल। तो अगर मैं कंपैरिजन दिखाऊं आपको तो लुक एट दैट। जी हाँ, ये एरशाद का लैपटॉप है, ही यूजेस इट, डेली ड्राइवर है उसका, ये देखिए सब स्टिकर्स। सो दिस इज द डिफरेंस, ये इतना बड़ा है एंड It's quite big, nearly a centimeter and a half, either nearly 2 centimeters bigger. 0.2 mm से thick है। वैसे weight भी करते हैं, let's do the weight, लगे हाथ पता चल जाएगा कितना difference है। 1235 grams ये है, let's see, this will be 1491 grams. It is about 1490 grams. इसका मतलब कुछ 200 grams से difference है। Alright. अब डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप डिस्प्ले देखोगे इसका, दैट इज बिग, 15.3 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों। एंड एक बात कहूं, अगर आपको एक 15 इंच का मैकबुक चाहिए होगा तो आपको 1,00,000 रुपए ज्यादा स्पेंड करने होंगे, एक नहीं उससे भी ज्यादा, 2.5 लाख रुपए मैकबुक प्रो, जो बेस वेरियंट आता है मैकबुक प्रो का 16 इंच वाला, दैट इज 2.5 लाख। दिस वन इज 1,35,000। और मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ डिस्प्ले साइज, बिकॉज दैट इज वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। दोनों के एंगल सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बट लुक एट द कीबोर्ड्स एज वेल। अगर आप कीबोर्ड के पास देखोगे तो इधर जो डिस्टेंस है कितना ज्यादा हो गया, देखिए। एंड दिस वन इज अ मच बिगर टच पैड, टच पैड डेफिनेटली इससे ज्यादा बड़ा है। तो डिस्प्ले के बाकी के स्पेक्स के बारे में बात करूं, ब्राइटनेस जो है सेम है दोस्तों, 500 nits का ही ब्राइटनेस है, रेजोल्यूशन भी सेम है दोस्तों, इट इज एग्जैक्टली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज अ लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, तो बाकी सब चीजें जो है सेम है, ओनली साइज चेंजेस। और हाँ, ये जो नॉच है दोस्तों, इसके अंदर आपको 1080p का वेबकैम मिलता है, सेम बोट नॉच है, साइज भी सेम ही है। और एक बात बताऊं दोस्तों, जी हाँ, देयर इज सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स, आपको 2 USB Type-C मिलते हैं, मैगसेफ है एंड 3.5 mm जैक, दैट्स अबाउट इट, एंड इट्स द सेम विद द प्रीवियस जनरेशन, इवन प्लेसमेंट भी सेम है पोर्ट्स के, सो नो डिफरेंस।
अगर चेंज आया है दोस्तों, वो आया है बैटरी में। बड़ा साइज है एंड बड़ी बैटरी भी है। इसमें आपको 66.5 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, वेयर इज दिस वन हैज गॉट 52.6 वॉट आवर। लेकिन दोस्तों बड़ी बैटरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगा। अभी भी वो 18 आवर्स जो वीडियो प्लेबैक टाइम है वही मिलता है। मतलब नॉर्मल यूसेज में सब चीजें आप करोगे तो 10-11 घंटे आराम से आपको मिलेगा। इट इज सेम, बड़ी बैटरी है लेकिन डिस्प्ले भी बड़ा हो गया, तो इट ऑल्सो टेक्स इन मोर बैटरी। और एक बड़ा चेंज आ गया दोस्तों, अब 6 स्पीकर्स आ गए एज कंपेयर टू दिस वन। दिस हैड क्वाड स्पीकर्स, दिस वन हैज गॉट 6 स्पीकर्स एंड बड़ा डिस्प्ले। तो मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है इसके साथ, दैट इज डेफिनेटली गॉन अ लॉट अप। जी हाँ, मैं नॉच अबाउ नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा अबाउ कहूंगा। वाओ, आई मीन आई सीरियसली से वाओ, क्योंकि बहुत लाउड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड वाइड है बहुत। मतलब ऐसे पता चल रहा है कि इधर से आवाज आ रहा है, इधर से आ रहा है। सो देयर इज सेपरेशन एज वेल एंड फॉर अ लैपटॉप टू गिव सच गुड साउंड, इंप्रेसिव। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, पुराना मैकबुक और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जीपीयू में थोड़ा 10% परफॉर्मेंस ज्यादा आपको मिलता है, बट अदर देन दैट आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस नजर नहीं आएगा अगर आप 13 इंच वाला लेते हो या 15 इंच वाला। इट इज नियरली द सेम, स्लाइट बम्प। ऑलराइट दोस्तों, यही था 15 इंच मैकबुक एयर। दो मेजर डिफरेंसेस है। मल्टीमीडिया सुनने के बाद मैं कहूंगा डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय, एंड ऑफ कोर्स बड़ा डिस्प्ले है। सो दोस आर मेजर डिफरेंसेस, ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी बैटरी है बट बैटरी लाइफ आपको सिमिलर मिलती है। प्राइस के मामले में बात करूं तो इट इज 13 इंच वाला जो है वो 1,15,000 का है, ये जो है ये 1,35,000 का है। सो 20,000 यू आर गिविंग मोर फॉर बिगर डिस्प्ले एंड ऑब्वियसली बेटर मल्टीमीडिया सेटअप। तो क्या आपने इसे लेना चाहिए? देखिए, अगर 13 इंच स्क्रीन के साथ अगर आपका काम होता है तो यू नो यू कैन गो फॉर दैट एंड सेव 20,000। लेकिन आपको बड़ी स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली फिर मैं सजेस्ट करूंगा आपने मैकबुक एयर 15 इंच के पास देखना चाहिए, बट डोंट लुक एट दैट कलर, दैट्स फॉर श्योर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।